तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए आज 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को तीनों सेट में मिला के मैं आपके जीएस से और रीजनिंग से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मैथ में जितने क्वेश्चन पूछेगा उसके एक अलग वीडियो बनेगा और आप उस सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, पूरी वीडियो जरूर देखेगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ आपको नीचे लिंक दिया है, वहाँ से इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आप मुझे अभी अगर अकेडमी फॉलो नहीं करे हुए तो फॉलो कर लीजिए, जहां पे मैं स्टार्ट कर दिया मैंने क्रैश कोर्स रेलवे संबंधित से, रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने मैथ के एडवांस और अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर को पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया। तो काफ़ी बेहतरीन वीडियोज मैं वहाँ पे चला रहा हूँ, कुछ वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी बेहतरीन वीडियो जरूर देखेगा, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? तो सही आंसर होगा आपका गुरु अंगद ने। ठीक है, गुरु अंगद जी ने ही गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। पूरे जीएस जीके के, पूरे मैथ के, पूरे रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष कौन है? बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हिमांता बिस्वा शर्मा, ये क्या है, भारतीय जो बैडमिंटन संघ है उसकी अध्यक्ष भी हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया था, तो उसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। अब जो आवृत्ति आपके 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आ रहा आपके ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि फिजिक्स के हम लोग टॉप लगभग 60 क्वेश्चन लेके आए हैं अपने अनअकेडमी पे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, जल्दी वो अपलोड कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन उसकी मैं दे दूंगा। मुस्कान किरार ये किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से है। ये क्वेश्चन साफ से आ रहा है कि कौन से जो प्लेयर है, देखिए फेमस प्लेयर हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग कोई ना कोई अवार्ड जीते हुए हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये लोग किस किस गेम से संबंधित है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौरसे सम्मान आपसे पूछा गया 2017 का किसको मिला था? सितांशु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सितांशु को मिला था सरस्वती सम्मान 2017 अवार्ड। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा, ये पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। और आपको हाल में ये भी बता दें कि योन्नो का भी रिपोर्ट आई है कि जितना दूध उत्पादन होता है उसका 4 गुना ज़्यादा जो है दूध वो खर्चा होता है, यानी 4 गुना ज़्यादा लोग दूध कंज्यूम कर रहे हैं। आखिर ये 3 गुना दूध आ कहाँ से रहा है? तो योन्नो के रिपोर्ट के अनुसार ये था कि 2025 तक हो सकता है दुनिया की 50% आबादी को कैंसर हो जाए, क्योंकि हम लोग गलत दूध पी रहे हैं, हम लोग मिलावटी दूध पी रहे हैं, हम लोग पाउडर वाला दूध पी रहे हैं। एक क्वेश्चन आता कि बैरन और नारकोंडम ये सब क्या है? तो भारत के ज्वालामुखी हैं जो सुसुप्त और शांत दोनों हैं, ठीक है, सुसुप्त भी हैं और कोई एक्टिव भी है, तो ज्वालामुखी के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगी। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं सभी के सभी अकेडमी में मैंने पढ़ा दिया, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और कुछ एक वीडियो मैं यहाँ पे भी आपको दे दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और कई सारे वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया तो कृष्णा सोबती द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिप्सम का आपसे सूत्र पूछा गया था, तो CaSO4.2H2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जिप्सम का सूत्र पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है, सेम सूत्र है, खाली वहाँ पे H2O कर देते हैं और यहाँ पे 2H2 हम करते हैं। एक क्वेश्चन ये था, वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो 5 से 6 लीटर जो होता है वो वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ये आपसे पूछा था कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो अभी भी राजधानियों से पीछा नहीं छूटा है, ठीक है, राजधानियों से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो आपको हर राज्य की राजधानी तो याद होनी चाहिए। अगर भारत की बात करेंगे तो हर एक राज्य की राजधानी तो याद होनी होनी चाहिए, साथ ही साथ जितने भी देश हैं उनकी भी राजधानी याद होनी चाहिए, जितने फेमस देश हैं उनके, खासकर तो आपको प्रधानमंत्री अगर वहाँ होते तो प्रधानमंत्री, वरना वहाँ के राष्ट्रपति याद होने ही होने चाहिए, अगर आपको पेपर आगे वाले शिफ्टों में बचा हुआ है। नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में पूछा गया था कि किसे दिया गया है, तो गीता मित्तल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन यह था कि कौन सी जो रंग है वो रंगहीन और गंधहीन दोनों ही होती है, तो हाइड्रोजन भी रंगहीन गंधहीन होती है, ऑक्सीजन भी रंगहीन गंधहीन होती है और नाइट्रोजन भी रंगहीन गंधहीन होती है, तो तीनों में से देख लीजिएगा, आपको जो ऑप्शन में होगा आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, वो मैं सही करवा दूंगा, आपको सही मिलेगी। रेखित पेंसिया कौन कौन सी होती है, जो इच्छा अनुसार गति करती है वो रेखित पेंसिया कहलाती है, जो अपने आप से गति करती हैं, ठीक है, ये भी आपको सही मिल जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, अगला याद है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, तो आचार्य देवव्रत, तो राज्यपाल से भी क्वेश्चन देखिए लगातार राज्यपाल वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है, कहीं भी ढील मत करिए। मैं हमेशा आपसे वीडियो में हमेशा आपसे कहते आया हूँ कि आपको राज्यपाल वगैरह ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, और लगातार आपसे इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ढील मत करिए।
दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा गया आपसे। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में कि किसको दिया गया, तो विनोद खन्ना जी को दिया गया है। एशिया कप क्रिकेट कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखिए खेल से संबंधित क्या क्या उसमें टर्म होते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले वाइड कहाँ होता है किस गेम में, तो आप कहोगे क्रिकेट में होता है। इस तरीके से आपसे पूछ ले नो बॉल किस में होता है, तो क्रिकेट में होता है। नेट फॉल्ट के बारे में पूछा गया, तो बैडमिंटन से संबंधित, क्योंकि बैडमिंटन में क्या होता है, नेट लगा रहता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप वो कर सकते थे, रिलेट कर सकते थे कि कहाँ पे हो जाएगा बैडमिंटन, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आया था राजधानी, देखिए फिर से राजधानी आ गया। अभी आपको मैंने फ्रांस की बताया, और ये तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा शिफ्ट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको देखना जरूरी होता है। युगांडा की राजधानी के बारे में पूछा गया, तो कंपाला सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आपसे पूछा गया, तो कौन है, आनंदी बेन पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल। एक क्वेश्चन ये आया था कि भारत की विदेश मंत्री कौन है, तो सुषमा स्वराज है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जरूर दिया होगा। सातवां भारत ऊर्जा महासम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ, ठीक है। सातवां भारत ऊर्जा महासम्मेलन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। अगले पे बात करते हैं हम लोग, विदेश मंत्री मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आया था कि मनुष्य जो है वो एक मिनट में कितनी बार सांसें लेता है, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपने 72 बार पढ़ा था यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एक मिनट की बात हो रही है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये आया था कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है वो धड़कता है, मनुष्य का दिल पूछा गया था ना आपसे, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो यहाँ पे क्या पूछा, सांस कितनी बार लेता था, 16 से 18 बार। इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइएगा, कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर हम कन्फ्यूज है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 होता है, जो भी आदर्श अमीटर होते हैं उनका प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। और आदर्श नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, हम लोग खाली वो चीज़ें पढ़ते हैं, खाली उसके हम लोग फॉर्मूले याद करते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, दिन में कितनी बार घड़ी की जो दोनों सुइयां एक सीध में होती हैं, किसमें होती हैं, एक सीध में। तो देखिए मैंने क्लॉक की पूरी एक वीडियो बनाई हुई, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बताया हुआ कि 90 डिग्री पे कम होती हैं, कब होती हैं वो लोग, उनके बीच का एंगल 0 पे यानी कि ओवरलैप कब करती हैं, और एक सीध में यानी 180 डिग्री कब बनता है। मैंने पूरी चीज़ें वहाँ आपको समझाई है, क्लॉक में चैप्टर बनाया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो। तो 44 बार एक घंटे एक दिन में होती है, यानी कि 24 घंटे में 44 बार, एक्चुअली में बोलो 12 घंटे में 12 घंटे में वो लोग 22 बार होते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में 22 गुना 44 बार हो जाएंगे। भेल का मुख्यालय, रिपीट क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड है, तो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन आया था वास्को डी गामा केरला में कहाँ पे उतरा था, देखिए केरला में कहाँ उतरा था, अभी ये क्वेश्चन आता है, वास्को डी गामा भारत कौन आया, कब आया था, तो 1498 में आपने सही बताया। अब ये क्वेश्चन आ गया कि केरला में वो कहाँ उतरा था, तो कालीकट बंदरगाह पे होता था, तो वास्को डी गामा को पीछे ना छोड़िए, और उस पर लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर जो होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है, और इसी पे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा कौन सा होता है, तो क्षोभ मंडल बोलोगे या फिर आप ट्रोपोस्फीयर बोलोगे, बिल्कुल दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती, तो 65 से लेकर 70% तक लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था फ्रिज, जो आपका प्रिज्म होता है, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन गलत लिखा गया, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि प्रिज्म में जो श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रागों में भागों में विभाजित हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है, वो वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है। खेलो इंडिया स्कूल गेम में किस राज्य ने पहला वर्ष स्वर्ण पदक जीता था, तो उत्तराखंड राज्य ने जीता था, अनु कुमार नाम के यहाँ पे लोगों ने जीता था, अनु कुमार नाम था उसका, उसने जीता था। मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, तो कुत्ता ही था, आपको पता अभी भी लोग पहली पसंद क्या है, वही, और सबसे पहला वही जो था, जो कुत्ता जो पाला गया था। संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपसे पूछा गया 2017 का, तो निरंजन मिश्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के बारे में आपसे पूछा गया, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे संविधान के अस्थायी सदस्य के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आता है कि 5 फरवरी को किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया, तो मालदीव के जो राष्ट्रपति उन्होंने 5 फरवरी को आपातकाल घोषित किया गया था, उन पर क्वेश्चन आपके पास आ गया। निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछी गई है, तो 3×10^8 ऐसे आप लिखोगे इसको, 3×10^8 मीटर पर सेकंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। एक आया था कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, तो जिंक जो है वो इंसुलिन में होती है, ठीक है, जिंक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊतक जो है वो घाव बनने में सहायक होता है, कौन सा जो ऊतक है वो घाव बनने में सहायक होता है, तो इपिथीलियम जो ऊतक होता है शरीर में वो घाव बनने में सहायक होता है।
तीसरी बौद्ध संगीत के बारे में आपसे पूछा गया कि उसके अध्यक्ष कौन है, तो मोंगली पुत्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग में भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पता तो चल जाएगा कम से कम कि भैया पैटर्न कैसा आ रहा है, और जब तक आपको पैटर्न नहीं पता तब तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। और मैं आपको बता दूँ मैथ की मैं अलग से प्रैक्टिस लेकर आता हूँ, क्योंकि मैथ चैनल आपको पता है कि उसमें मैथ के कई सारे वीडियोज चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी लोग का। मैंने मैथ की प्रैक्टिस सेट चलाई है ग्रुप डी के लिए, आप बताइए कॉन्स्टेबल यूपीपी 2018 एलपी एसएससी जीडी सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और लगातार उससे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, लगातार डायरेक्शन से, क्लॉक से, ब्लड रिलेशन से, एनोलॉजी से, सिलॉलिज्म से, मिरर इमेज से, हर एक कुछ चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। एक क्वेश्चन आपको देखा था कि 15 के बाद 30 आता, 30 के बाद 60 आता, तो उसके बाद क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसी तरीके से 60 दूनी 120 जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता कि महिला, बहन और माता में क्या आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो देखिए जो महिला है वो सबसे ऊपर हो गया, अब कुछ बहनें जो होंगी वो माताएं भी होंगी और कुछ उसमें से माताएं जो हो बहनें भी होंगी, तो दोनों आप कर लोगे इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऊपर वाला क्या है वो महिला ही है, ठीक है, सभी लोग क्या होंगे वुमेन ही होंगी, महिला ही होंगी। एक क्वेश्चन आपके आया था कैलेंडर से, अगर 20 अप्रैल 1999 को सोमवार है तो 31 मई 1999 को कौन सा दिन होगा, अप्रैल मई, ठीक है, तो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको डिफरेंस आप दिन के डिफरेंस से देख सकते हो, क्योंकि सन एक ही है, आपके उसमें मंथ में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो दिन के डिफरेंस में देख लोगे तो आपका आ जाएगा आंसर रविवार। एक क्वेश्चन देखिए एक और आया था कि एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर 4 मीटर चला, ठीक है, दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ आपका, यहाँ से लेकर नीचे आपका दक्षिण पड़ता है, ठीक है, दक्षिण की ओर क्या हुआ 4 मीटर चला वो, फिर वो अपने काम मुड़ गया, बाएं मुड़ा और यहाँ पर वो 3 मीटर चला, तो बताइए यहाँ से कितनी दूर है। तो भैया देखिए ट्रिपलेट क्या बनना आपका, एक बनना राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर ये 3 ये 4 तो ये कितना होता 5 होता, तो कितनी दूर है 5 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ पे आपका आंसर सही हो गया। यहाँ भी यहाँ मीटर दिया तो यहाँ भी मीटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते रीजनिंग की, 21 के बाद अगर वो 29 दे रहा है, 29 के बाद अगर 38 हो रहा, 38 के बाद अगर 48 हो रहा और 48 के बाद अगर 59 हो रहा, तो उसके बाद बताइए कौन सा नंबर होगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ आप देखो डिफरेंस 8 का है, यहाँ डिफरेंस 9 का है, यहाँ डिफरेंस 10 का, यहाँ डिफरेंस 11 का है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का होगा 12 का होगा, तो 9 2 11 6 5 1 6 1 7, ठीक है, 9 2 11 71 हो गया आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 59 10 69 2 71 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल आ रहा था, 9 10 का आप करके डिफरेंस निकाल सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हम क्लर्क को CLERK क्लर्क को अगर हम लिख सकते हैं EOIWQ, तो बताइए टेबल को क्या लिख सकते हैं, तो देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं भैया, CDE 1 का डिफरेंस आ रहा है तो STUV हो जाएगा, ये क्या LMN, यहाँ पे 2 चीज बीच में छोड़ रहा है, तो BCD, तो यहाँ पे यू आपका VD, इसके बाद जो ऑप्शन शुरू होगा वो आप सही लगा दोगे। फिर यहाँ आपको देखोगे 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन लगा दोगे। एक क्वेश्चन देखिए मिरर इमेज का आ गया था, मिरर इमेज आपसे पूछा था RAX का मिरर इमेज, कितना सिंपल है मिरर इमेज, आपने यहाँ मिरर रखा और क्या होगा, X सबसे अपोजिट इधर पहले आ जाएगा, A का कोई उल्टा नहीं होता और R बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, तो X से R बन जाएगा इसका मिरर, और बिल्कुल सिंपल मिरर है, कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ कठिन आपको करना है, बिल्कुल सिंपल मिरर, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं मैथ के, अभी मैं आपको पूरे कंप्लीट अलग से वीडियो दूंगा, मैथ के लिए परेशान मत होइए, तो इतने क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं GS के और आपके रीजनिंग से संबंधित, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, और डेली आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी तीनों शिफ्ट की मिला के, मैथ की अलग से और रीजनिंग और GS की अलग से, जरूर देखिएगा, ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं।